जब आप कोई काम अभी करने वाले होते हो तब वहां पे हम इंग्लिश फ्रेज यूज करते हैं आई एम अबाउट टू। आइए हम सेंटेंसेस में सीखते हैं कि इसको यूज कैसे करना है। मैं किराने की दुकान के लिए निकलने वाला हूँ, क्या आपको किसी चीज की जरूरत है? आई एम अबाउट टू लीव फॉर द ग्रोसरी स्टोर, डू यू नीड एनीथिंग? तो ये काम अभी होने वाला है, आई एम अबाउट टू, मैं अभी। मैं पुस्तक का यह अध्याय समाप्त करने वाला हूँ, आई एम अबाउट टू फिनिश दिस चैप्टर ऑफ द बुक। मैं अगले सप्ताह अपना नया काम शुरू करने वाला हूँ, आई एम अबाउट टू स्टार्ट माई न्यू जॉब नेक्स्ट वीक। मैं बाहर निकलने से पहले स्नान करने वाला हूँ, आई एम अबाउट टू टेक अ शावर बिफोर हेडिंग आउट। मैं रिसाव ठीक करने के लिए प्लम्बर को बुलाने वाला हूँ, आई एम अबाउट टू कॉल द प्लम्बर टू फिक्स द लीक। मैं पाठ्यक्रम के लिए अपना अंतिम प्रोजेक्ट प्रस्तुत करने वाला हूँ, आई एम अबाउट टू सबमिट माई फाइनल प्रोजेक्ट फॉर द कोर्स। मैं शहर के लिए ट्रेन पकड़ने वाला हूँ, आई एम अबाउट टू बोर्ड द ट्रेन टू द सिटी। मैं प्रदर्शन समीक्षा के लिए अपने बॉस से मिलने वाला हूँ, आई एम अबाउट टू मीट विद माई बॉस फॉर अ परफॉर्मेंस रिव्यू। मैं पार्टी के लिए निमंत्रण भेजने वाला हूँ, आई एम अबाउट टू सेंड आउट द इन्विटेशन फॉर द पार्टी। नाउ इट्स योर टर्न टू आंसर। मैं कॉफी के लिए अपने दोस्त से मिलने वाला हूँ। इफ यू लाइक दिस वीडियो, कुड यू प्लीज हिट द लाइक बटन एंड सब्सक्राइब माई चैनल, एंड प्लीज डोंट फॉरगेट टू प्रेस द नोटिफिकेशन बटन। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। बाय फॉर नाउ, टेक केयर।